अब जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, जीएसटी के बारे में क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 पारित हुआ और इस पारित होने के बाद इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, यानी कि ये लागू हुआ। एक और बात है कि ये दोहरा जीएसटी होगा, मतलब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, इन्हीं दोनों को मिलाकर इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। निर्यात में जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी से एक वस्तु एक सेवा एक कर व एक देश की अवधारणा लागू होगी। जीएसटी में किया गया इसमें केंद्र और राज्य के जितनी भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको सबको क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया। जीएसटी एमआरपी पर लगेगा, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर लगेगा, यानी खुदरा मूल्य पर लगता है। इसको समझेंगे कैसे, पहले क्या होता था कि वैट लागू था तो वो स्टेप बाय स्टेप लगता हुआ जाता था, जिससे क्या होता, वस्तुओं का मूल्य क्या होता था, बढ़ जाएगा। अब जीएसटी वहाँ पर लगेगा जहाँ पर उस वस्तु की खपत होगी, ना कि वहाँ पर लगेगा जहाँ पर बनेगी। मतलब कहने का है कि यदि कोई वस्तु तमिलनाडु में बनेगी, ठीक, और यदि उसका कंजप्शन उत्तर प्रदेश में होता है तो टैक्स उत्तर प्रदेश में ही लगेगा, ना कि वहाँ से लगना शुरू हो जाएगा जहाँ से वो वस्तु बनी होगी। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, जो अधिकतर ये इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल बनी कैसे, ठीक है, या उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। एग्जाम पर्पज पर देखा जाए तो सिर्फ हमें यह जानकार रखना है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण है। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, इनसे मिल करके जीएसटी काउंसिल बनती है, जो समय समय पर जीएसटी की दरों का निर्धारण करती है कि जीएसटी की दरें घटाई जाएंगी या बढ़ाई जाएंगी। जीएसटी के बारे में एक और भी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नहीं रखा गया, ठीक, शराब को नहीं रखा गया है, आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जीएसटी के अंतर्गत, मतलब जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब हम राज्यों के प्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे, यानी कि राज्यों के प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस। कारण होता है कि एग्जाम में राज्य सरकारों के द्वारा भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन राज्य सरकार का टैक्स होगा, कौन केंद्रीय सरकार का टैक्स होगा आदि, यहाँ पर टेट, सुपर टेट, SSC आदि एग्जामों पर पूछा जाता है। तो उसमें से हमको केवल लिस्ट की जानकारी रखनी है और हमें पता चल जाएगा कि ये कर राज्य का है। तो जैसे कि राज्यों के कर में होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर यानी कि मालगुजारी कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्ति कर, रोजगार पर कर यानी प्रोफेशनल टैक्स। देखेंगे होटल प्राप्तियों पर कर, जो होटल से प्राप्तियां होती हैं, यानी कि होटल से जो हमें पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, होटल वाले जो कमाते हैं और उनके द्वारा उनमें हम क्या करते हैं कि टैक्स इम्पोज करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें कर प्राप्त होता है। भू राजस्व यानी कि भू राजस्व मतलब जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है खनिज संपदा के द्वारा, ठीक है, उसको हम भू राजस्व कर कहते हैं। और मालगुजारी यानी कि माल का जो आवागमन होता है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसे हम मालगुजारी कर कहते हैं और इसमें भी राज्य सरकार टैक्स वसूलती है। कृषि आय पर कर यानी कि कृषि से जो आय होती है उस पर कर, यह अधिकतर लगता नहीं है क्योंकि राज्य सरकार वसूलती नहीं है और ना ही केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, ये लागू है लेकिन वसूला नहीं जाता है। व्यवसाय कर यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं यानी ट्रेड करते हैं, ठीक है, राज्य के थ्रू, तो वहाँ पर आपको व्यवसाय कर लगेगा। गैर शहरी अचल संपत्ति, अचल संपत्ति क्या होती है, मतलब धन जायदाद, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, तो गैर शहरी अचल संपत्ति पर टैक्स लगता है। रोजगार पर कर यानी प्रोफेशनल टैक्स है, इस पर जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया आदि, इन प्रोफेशनल्स पर टैक्स लागू रहता है और ये सारे टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। अब प्रत्यक्ष करों के बाद राज्यों के अप्रत्यक्ष कर, इसकी लिस्ट देखते हैं। इन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, राज्यों के द्वारा जो वसूले जाते हैं, जैसे कि बिक्री कर, ठीक, और व्यापार कर यानी ट्रेड टैक्स हो गया, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ये भी राज्य सरकार वसूलती है,
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क, उत्पाद शुल्क यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मनोरंजन कर और बाजार कर। अधिकतर पूछा जाता है मनोरंजन कर, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का टैक्स है, तो उसमें लिखा होता है मनोरंजन कर, तो मनोरंजन कर को टिक कर देते हैं तो पता चल जाता है कि राज्य सरकार का है। बाजार पर कर, तो बिक्री कर, जो वस्तु यहाँ पर बिक्री होगी, अब GST लागू हो गया, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि जहाँ पर वस्तु बनेगी वहाँ से तो टैक्स लागू होना नहीं है, तो जहाँ पर बिक्री होगी, उसकी खपत होगी, जहाँ कंज्यूम किया जाएगा वहाँ पर टैक्स लगेगा, तो उस पर बिक्री कर कौन वसूलेगा, राज्य सरकार वसूलेगी। व्यापार होगा, ट्रेड टैक्स, वो भी राज्य सरकार वसूलेगी। डीजल पेट्रोल पर, यहाँ पर जब राज्य में आकर के डीजल पेट्रोल की बिक्री होगी तो इस पर भी टैक्स वसूलेगी राज्य सरकार। स्टाम्प और पंजीयन, स्टाम्प तो आप जानते ही हैं, पंजीयन का मतलब होता है इनरोल करवाना किसी चीज़ को, तो वहाँ पर भी टैक्स लागू होता। उत्पाद शुल्क यानी कि कोई भी यदि यहाँ पर उत्पाद होगा यानी प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी से इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको उत्पाद शुल्क राज्य सरकार। मनोरंजन कर राज्य सरकार वसूलती, और बाजार कर जो होता है वो भी राज्य सरकार ही वसूलती है। तो हम एग्जाम परस्पेक्टिव पर हम ये देखते हैं कि पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पर, सीधे सीधे हम इस लिस्ट को 2-3-4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये केंद्र सरकार का और ये राज्य सरकार का है, ये प्रत्यक्ष कर है और ये अप्रत्यक्ष कर है। देखते कुछ प्रमुख कमेटियां देखते हैं जो कर सुधार पर आई, तो सबसे पहले तो आई थी 1976 में, मतलब प्रमुख कमेटियों की बात करते हैं, और भी कई कमेटियां आई लेकिन दो कमेटियां जो अधिकतर पूछी जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। 1976 में लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में एक अप्रत्यक्ष कर सुधार समिति गठित की गई थी, इसने अपने सुझाव दिए ताकि कि अप्रत्यक्ष करों में सुधार किया जा सके। लेकिन इसके बाद 1991 में यानी 1991 में राजा जे चेलैया के नेतृत्व में एक कर सुधार कमेटी गठित की गई। ये बहुत ही प्रमुख कमेटी है क्योंकि इस समय हमारा भारत देश, ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन में आ गया था, यानी कि उदारवादी इकोनॉमिक्स में आया, ठीक, तो इसने मुख्य सुझाव कौन कौन से दिए कि कर की दर कम की जाए, यानी कर की दर कम की जाएगी जिससे ज़्यादा लोग कर अदा करेंगे। कर प्रशासन में सुधार किया जाए क्योंकि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा था, तो कर सुधार में यानी सुधार किया जाए कर प्रशासन में ताकि कर लेने और देने में आसानी हो। नए नए क्षेत्रों को कर के दायरे में लाया जाए, मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें कर नहीं लिया जाता था, जैसे सेवा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था सेवा, सेवा को यहाँ पर 1991 से इसे क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जैसे कर सुधार कमेटी, तो राजा जी चलैया 1991 में आई, अप्रत्यक्ष कर सुधार कमेटी लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में बनी थी, और इसमें सुधार के आवश्यक उपागम भी पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र पर सुझाव के दायरे दिए गए। आइए अब वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। वित्त आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। अभी तक जो रिसेंटली चल रहा है उस पर पढ़ेंगे, 14वें वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग पढ़ेंगे। तो 14वें वित्त आयोग ने केंद्र को अपने निवल यानी कि नेट टैक्स का 42% राज्यों को देने को कहा था। ये वित्त आयोग का सुझाव दिया जाता है, यानी वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया जाता है कि जो पूरा नेट टैक्स, जो पूरा टैक्स प्राप्त होता है उसमें कितने परसेंट राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा। अब कुछ स्ट्रेटजिकल क्वेश्चन ये हैं कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केशी नियोगी, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 में हुई थी। इसके बाद आप पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे 15वें वित्त आयोग का। 15वें वित्त आयोग की स्थापना वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, इसमें वर्तमान में जो रिसेंटली अपडेट है वो ये है कि 15वें वित्त आयोग बन चुका है, और 15वें वित्त आयोग की स्थापना की है वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद द्वारा। 27 नवंबर 2017 को इसकी गठन किया, मतलब वित्त आयोग की स्थापना की, किसके द्वारा, यानी कि इनके अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह, यानी इनका शॉर्ट नेम है NK सिंह की अध्यक्षता में की गई 15वें वित्त आयोग की स्थापना। ये 5 वित्तीय वर्षों यानी 2020 से 25 की सिफारिशें लागू करेगा, जिसमें NK सिंह जिसे इस रिपोर्ट को किसमें संसद के समक्ष रखा है।
आयोग ने, यानी कि जो एन के सिंह द्वारा ये 15वां वित्त आयोग है, 2020-21 के लिए केंद्र को निवल कर का, यानी कि पूरे कर यानी नेट टैक्स का 41% देने की सिफारिश की है। अभी हमने पढ़ा था कि 14वें वित्त आयोग ने क्या किया था कि 42% देने का सिफारिश की थी, देने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल 2020 और 21 के लिए सिर्फ 41% देने की सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के द्वारा। देखते हैं 15वें वित्त आयोग की वितरण रिपोर्ट, ये जो सुझाव देते हैं कि कितने प्रतिशत किस क्षेत्र पर दिया जाए, तो जिसमें से सबसे पहला नंबर है आय से दूरी, यानी कि जितनी आय कम हो जिस राज्य की उसको उतना ज़्यादा आवंटन दिया जाएगा, तो 45%। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार, यदि जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है या जनसंख्या कम है तो उसका 15 यानी 15%। क्षेत्रफल के हिसाब से भी 15% का वितरण, वन एवं पारिस्थितिकी 10% का वितरण, जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी कि जनसंख्या को रोकने में कम करने में कितना राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शन किया गया है उसके तहत 12.5 यानी 12.5%, और कर प्रयास यानी कि कर वसूलने में, कर लागू करने में, कर को सही तरीके से इम्प्लीफिकेशन करने में उसका मिलेगा 2.5%। ये एन के सिंह ने 2020 और 21 के लिए पूरा विवरण जारी किया है। 15वें वित्त आयोग ने इस बार वन एवं पारिस्थितिकी और जनसंख्या प्रदर्शन, ये दो क्षेत्रों को शामिल किया है, और कुछ 2014 में जो वाईवी रेड्डी द्वारा सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ को हटा दिया गया है, और इसमें वन एवं पारिस्थितिकी और जनसंख्या प्रदर्शन दो इन पॉइंट को एन के सिंह द्वारा लिया गया है।